वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये होने वाला है स्वेट शर्ट का हॉल वीडियो। विंटर वेयर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि विंटर्स चल रही है। एंड गाइस मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट स्वेट शर्ट शेयर करूंगी जिन्हें आप इस विंटर में स्टाइल कर सकते हैं। साथ में है ना ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है और कलर इनके बहुत प्यारे प्यारे हैं, विंटर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट रहेंगे। अभी जो टाइम है ना ज्यादा सर्दी है ना, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, तो आप उनमें इसे स्टाइल कर सकते हैं, बहुत प्रिटी लगेंगे। तो आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जितने भी स्वेटशर्ट मैं शेयर कर रही हूँ लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें बाय कर लेना। साथ में सिंगल लिंक मिल जाएगा माय हॉल स्टोर के नाम से, सिंगल लिंक में क्लिक करके भी कंप्लीट कलेक्शन आज आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो मैंने पहना हुआ है ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट पिंक कलर का स्वेटशर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे देखने में बहुत क्यूट लग रहा था। साथ में ना यहाँ पे आप देखोगे इसमें जो है मिक्की माउस बना हुआ है, जो प्रिंट है ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इसमें फुल स्लीव्स है, राउंड नेक है और साथ में है ना ये काफ़ी अच्छा थिक फैब्रिक इन्होंने यूज़ किया है, पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल है और साथ में बहुत अच्छा गर्म फैब्रिक है इसका, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे अच्छी खासी विंटर्स होती है ना उसमें भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्यूट है। इसमें जो मैंने साइज लिया है ना वो सभी में एल साइज मैंने परचेस किया है, क्योंकि मैं जब भी ट्राई करती हूँ और विंटर वेयर परचेस कर रही हूँ तो एम साइज मेरे रेगुलर आता है, तो उससे एक बड़ा साइज परचेज करो क्योंकि अंदर अगर आपको कुछ हाईनेक वगैरह पहनना है या कुछ भी पहनना है, कितनी भी विंटर हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपने साइज से एक बड़ा साइज आप हमेशा विंटर वेयर में परचेज करो। और ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश मुझे लग रहा था, इसका कलर बहुत प्रिटी है, साथ में बहुत क्यूट है। कॉलेज वगैरह अगर आप पहनते हो, डेली ऑफिस जाते हो, उस पर्पज से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है जो फर्स्ट स्वेटशर्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगी, काफ़ी अच्छा है विंटर्स के लिए। अब जो नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही प्यारा सा एक डिज्नी स्वेटशर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड ये काफ़ी क्यूट है। सबसे पहले तो कलर आप देखो, इसका बहुत ही प्यारा सा कलर है और इसमें है ना एक सिंगल साइज ही अवेलेबल है, डबल एक्सल साइज। तो आपको है ना अगर डबल एक्सल मतलब एक्सल तक आता है तो आप डबल एक्सल परचेज कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसे परचेज किया। अभी इसमें थोड़े से साइज आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन जैसे ही आए आप परचेज कर लो, पर अभी डबल एक्सल साइज इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको इस तरह की राउंड नेक देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आप प्रिंट देखो, बहुत ही क्यूट प्रिंट इस पे किया हुआ है। बैक में भी मिल जाएगा आपको ये प्रिंट और स्लीव्स पे भी है, फ्रंट पे भी है। तो इस तरीके का स्वेटशर्ट है, आप देखना साइड में, मैं आपको ना ट्राई ऑन सभी के डाल दूंगी कि पहनने के बाद कैसे लग रहे हैं। कलर इसका एग्जैक्ट वही है जैसा पिक्चर में दिया हुआ है, सेम आपको वो ही कलर में देखने को मिल जाएगा। मेरे थोड़ा सा लूज आएगा क्योंकि डबल एक्सल साइज में मुझे मिला, लेकिन मैंने सोचा था मैं एक्सचेंज करा लूंगी बिकॉज मुझे स्वेटशर्ट बहुत प्रिटी लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था, क्वालिटी अमेजिंग आई है। और आप चाहो ना तो लूज फिटिंग में भी इसे स्टाइल कर सकते हो क्योंकि लूज फिटिंग भी जो स्वेटशर्ट होते हैं, विंटर वेयर टी शर्ट्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो। बाकी ये बहुत क्यूट है, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, तो इसे भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो गाइस अब जो नेक्स्ट स्वेटशर्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत प्रिटी है, ये भी बहुत क्यूट है, पर इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा थिन है, इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, गर्म नहीं है ज़्यादा, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो टी शर्ट टाइप इसका जो फैब्रिक है। जैसे हल्की फुल्की विंटर्स है तो उसमें आप इसे स्टाइल कर सकते हो उस अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आप जैन और फैब में जैसे स्टाइल करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। बाकी हल्की फुल्की विंटर्स के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है। इसका जो कलर है वो इस तरीके का जो है पीच कलर में है और साथ में आपको एक काफ़ी अच्छा सा इस पर प्रिंट देखने को मिल जाएगा। राउंड नेक है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है और इसमें भी मैंने लार्ज ही साइज परचेज किया है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कीजिए, एक बड़ा साइज परचेज कीजिए जिससे वो लॉन्ग टाइम तक भी चले। तो ये इस तरीके का स्वेटशर्ट है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा,
फुल स्लीव्स मिल जाएगी और क्वालिटी अमेजिंग रही है, पहनने के बाद काफी कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन जो है ज्यादा मोटा नहीं है, तो जब आगे विंटर्स में आप इसे स्टाइल नहीं कर सकते, एक दो महीने आप इसे स्टाइल कर सकते हो, नवंबर में आप इजीली से स्टाइल कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट है। अगर आप कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो डेली, तो परफेक्ट स्वेट शर्ट है ये वाला और काफी अफोर्डेबल प्राइस में है, तो मैं इसको भी आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। क्वालिटी को लेकर आपको कोई भी इशू नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट जो मैंने बाय किया है, वो कलर आप देखो बिल्कुल डिफरेंट सा है सभी के। मैं ट्राई ऑन आपको साइड में दे रही हूँ, साथ में आपको प्राइस स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। एंड ये इस तरीके का एक हुडी है जो कि काफी अच्छा है। इसमें भी मैंने शायद ना बड़ा साइज परचेज किया था, नहीं ये एल ही आया है, मुझे एल साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, वो पहनने पे पता चलेगा। और ये काफी प्यारा है, ये भी जो हुडी है ये काफी अच्छा है, आपको इसमें कैप देखने को मिल जाएगी। फैब्रिक की मैं बात करूँ, अमेजिंग फैब्रिक है, काफी कंफर्टेबल है पहनने के बाद। इसमें भी आपको इस तरीके की स्लीव्स देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको ना एक प्रिंट दिया हुआ है ब्रांड का ही, जो इस तरीके का आपको प्रिंट देखने को मिल जाएगा। कोई भी ब्लू कलर की डेनिम वगैरह, व्हाइट कलर की डेनिम के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो, स्कर्ट के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो। ये सारे स्वेटशर्ट ऐसे हैं जिन्हें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर पाओगे, तो ये बहुत प्रिटी लगा मुझे। एक तो कलर इसका बहुत डिफरेंट लग रहा था, विंटर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा यूनिक भी कलर है और जल्दी से किसी के पास मिलता नहीं है। और इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आपको जो भी लेना हो आप परचेज कर सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया। और अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैं आज आपके साथ इस हॉल में शेयर कर रही हूँ, वो मैंने काइंड ऑफ आप बोल सकते हो मरून चेरी कलर का है ये वाला स्वेटशर्ट। और ये ना एक क्रॉप स्वेटशर्ट है, जैसे वो काफी ज्यादा लॉन्ग थे, अगर आपको क्रॉप स्वेटशर्ट लेना है जैसे कि थोड़ी स्टाइलिश लगे, तो आप ये वाला स्वेटशर्ट बाय कर सकते हो। ये आपको मरून कलर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रिंट दिया हुआ है, आप एक बार ट्राई ऑन में साइड में देखना। इस तरीके की स्लीव्स है, और लेंथ अगर आप देखोगे ना तो ये क्रॉप में है, लॉन्ग नहीं है, तो ये क्रॉप मैंने परचेज किया है। जैसे गर्ल्स होती है ना जो डेली कॉलेज जाती है, उनके अकॉर्डिंग काफी स्टाइलिश रहेगा ये वाला स्वेटशर्ट, और ये भी मुझे काफी क्यूट लग रहा था, पहनने में काफी कंफर्टेबल रहेगा। इसमें भी जो मैंने साइज लिया है वो लार्ज ही लिया है, सभी में लार्ज साइज है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर लेना जो भी लेना है। क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, प्रिंट भी काफी अच्छा है, काफी स्टाइलिश लगेगा पहनने के बाद। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया। तो गाइज ये था कुछ स्वेटशर्ट के ऑप्शन, क्योंकि विंटर्स स्टार्ट हो गई है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सभी के कलर बहुत प्यारे प्यारे हैं, डिजाइन काफी अच्छे हैं, तो मैं लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप इन्हें बाय कर लेना। एंड वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना विद बेल, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। साथ में सबसे अच्छा स्वेटशर्ट आपको कौन सा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।